A builder of modern India, Stephen Hislop, Scotland, Nagpur, 1870 से लेकर 1863 तक, आज हम इनके बारे में देखने जा रहे हैं। एक जिज्ञासु मन के साथ संयुक्त धर्मनिष्ठा, परमेश्वर से सभी ज्ञान, सभी सत्य का स्रोत देखा। स्टीफन हेसलॉप स्कॉटलैंड के एक मिशनरी विद्वान और वैज्ञानिक थे। जब उन्होंने अपने स्कूल में चमड़े के श्रमिकों के बेटे को भर्ती कराया तो उच्च जाति के छात्रों को बाहर कर दिया गया। तेरह दिसंबर 1884 को वो बम्बे जहाज से पहुंचे। वहां रहते थे और काम करते थे। पूर्वी का विदर्भ क्षेत्र महाराष्ट्र के पास नागपुर के लिए 18 वर्ष उन्होंने खर्च किए। मराठी सीखने के पहले 15 महीने जैसे वह धारा प्रवाह थे, उन्होंने अपना मिशनरी काम शुरू किया। 1846 में नागपुर में 30 लोगों के साथ एक स्कूल खोला। शिक्षा के प्रावधान में कोई सामाजिक अंतर नहीं है। यह बाद में हिस्लॉप कॉलेज में विकसित हुआ। हिस्लॉप ने गोंदी सीखी और गोंदी जनजाति के बीच में प्रचार किया। अच्छी तरह से विज्ञान में प्रशिक्षित, जियोलॉजी एंटोलॉजी में उत्कर्ष, लेकिन उनके दिल में विशेष आनंद वनस्पति विज्ञान का था। भूविज्ञान में गहरी रुचि, अपने समय से आगे एक पर्यवेक्षक के रूप में उनके कौशल को सम्मानित किया गया था। जब उनके बाद एक खनिज का नाम हाइलोपाइट रखा गया, जिसे आज के क्षेत्र में अग्रणीय कहा जाता है, जिसे सामाजिक मानवीय कहा जाता है। हिस्लॉप ने नागपुर क्षेत्र में जनजातियों के विभिन्न द्रविड़ियन पर कई निबंध लिखे। ये निबंध 1866 में आर टेम्पलिन द्वारा मरणोपरांत प्रकाशित किया गए थे। इस कार्य में परिणाम स्वरूप गोंडी लोगों के लिए एक मिशन बन गया। डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी में हिस्लॉप पर प्रविष्ट के अनुसार उन्होंने नागपुर क्षेत्र में भूविज्ञान पर भी काम किया। 1859 में ब्रिटिश एसोसिएशन के लिए 3 पत्रों में अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए। 1843 में हिस्लॉप को भारत में महिला शिक्षा के लिए महिला समिति का सचिव बनाया गया। हिस्लॉप और हंटर द्वारा की गई खोज में लेबिरिंथियोडोट रेप्टाइल की एक नई प्रजाति ब्रेकिफिक्स लेटिफिक्स शामिल थी, जिसका वर्णन रिचर्ड ओवेन ने 1854 में किया था। हिस्लॉप ने रॉयल एसोसिएटिक सोसाइटी के जनरल के 3 पत्र लिखे। नागपुर राज्य का भूविज्ञान पश्चिम बंगाल और मध्य भारत के कॉल स्ट्रेट की आयु पर और नागपुर के भूविज्ञान पर 1863 में दुर्घटनावश पर डूब गए। उनके शोध पत्रों में 1866 सर रिचर्ड टेम्पल में मिला। ऐसे अनेक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।